मेरे जाति का नेता बने, बल्कि अलग अलग पार्टियां बन गई हैं, पार्टी भी एक जात की है और खुल गए हैं। उस समय ऐसी भावनाएं नहीं थी लोगों की आपस में, लेकिन उस समय वर्चस्व की लड़ाई थी। उस समय गांव देहात के लोगों को कोई मानता ही नहीं था कि इनका भी कोई अधिकार बनता है। राजनीतिक गलियारों में आज ये बात स्थापित है कि अगर कोई चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हो तो किसान की बात करनी पड़ेगी। ये बात कहां से आई, ये बात कैसे स्थापित हुई? सिर्फ सड़क पे बैठ के आंदोलन करके बात स्थापित नहीं हुई, राजनीतिक रास्ते पे चल के अपनी राजनीति मजबूत करके अपने राजनीतिक संगठन बना के जो चौधरी साहब ने आपको बताया, उस माध्यम से हमारी किसान की आवाज आज भारत के लोकतंत्र में थोड़ी सी मजबूत होती दिखाई दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कर्ज आप पे है, भुगतान आपका हो नहीं रहा, आपके लिए कोई ऐसी व्यवहारिक योजना बनती दिख नहीं रही कि अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे, आपके तो आए नहीं। आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ट्यूजडे को कैबिनेट ने डिसीजन लिया, ऐसी योजना बनती है, 1250 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई। क्या है कि जो महिलाओं के समूह हैं उनको हम ड्रोन देंगे, और उस ड्रोन के माध्यम से, जैसे ही ड्रोन उड़ रहा है कैमरा उसमें शूटिंग हो रही है, ड्रोन के माध्यम से जो है कीटनाशक की दवाइयों का छिड़काव होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी उस पीढ़ी का हूं और मुझसे यंग लोग तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी को समझते हैं, पसंद करते हैं, नई नई विधियां आ रही हैं, दुनिया बदल रही है, मैं उसे इनकार नहीं करता, होना चाहिए वो प्रयास। लेकिन 1250 करोड़ रुपए, वाकई मुझे तो शक होता है कि किसी मोटे सेठ को ठेका दिलाने के लिए ये 1250 करोड़ रुपए की योजना बनी, ये आपके लिए नहीं बनी है। कोई पहाड़ी इलाका है कहीं, बिल्कुल बहुत कठिन है, दुर्लभ है वहां, उस क्षेत्र में अगर आप ड्रोन का उपयोग करके करते हैं तो मैं समझ सकता हूं। आप मजदूर का काम भी खत्म कर रहे हो इतनी महंगी लागत लगा के खर्च करके, और इससे बेहतर योजनाएं बहुत लाख बन सकती है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की जरूरत है। मैं बहुत कड़वी बात लगेगी लेकिन सच्चाई है, मैं आपके खेत देखता आ रहा हूं और मैं मानता हूं कि 15 से 18% इस बार आपके गन्ने की फसल भी डाउन है, 238 फेल होता दिख रहा, 38 का जो बीज था जिसने इतनी रिकवरी दी, मिलों को फायदा पहुंचाया और किसान की पैदावार बढ़ाई, वो कुछ फेल सा होता दिख रहा है, बात सही है क्या? कहां है हमारी शोध की संस्थान? कृषि क्षेत्र में अनुसंधान अगर हम नहीं करेंगे, और कौन करेगा, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं करेगी, सरकार का दायित्व है। हजारों हमारे एग्री साइंटिस्ट हैं, देश भर में संस्थाएं हैं, एक के बाद एक उन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उनके बोर्ड का गठन ही नहीं होता सरकार से, सही समय पे सही जिम्मेदारी भी वहां नहीं दी जाती। और हर बजट में आप देखेंगे दुनिया में जो विकसित देश भी है जहां बहुत कम किसान है वो हमसे कई गुना कृषि अनुसंधान पे खर्च कर रहे हैं। यही 1250 करोड़ रुपए जो ड्रोन खरीदने में सरकार लगा देगी, अगर ये पैसा वहां लगता तो किसान को जो आज एक संकट की घड़ी है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तेजी से, मौसम का कोई अनुमान नहीं लगा पाता, कहीं बाढ़ आ रही है, बेमौसम बरसात आ रही है, ओले पड़ रहे हैं जो पहले नहीं होता था, पानी सीमित है, कम संसाधनों को लगा के कैसे पैदावार बढ़ा सकता है किसान और कैसे किसान की आय बढ़े, इसके लिए कोई योजना ये नहीं बना पाया। पीएम आशा, एक और योजना का उदाहरण देता हूं, पीएम आशा योजना, कोई फुल फॉर्म बता सकता है? आपने सुना है कोई योजना है? किसी ने नहीं सुना। केंद्र सरकार की योजना है, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी छोटू राम, आप उन दोनों को अपना मानते हो ना। चौधरी छोटू राम जी के स्मृति में 2018 में मोदी जी ने एक बड़ी मूर्ति का की स्थापना करी उनके गांव में,
और ये योजना की शुरुआत की। क्या है? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कितनी बढ़िया बात है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत हो गई बात एमएसपी की, लागत की। नहीं, हमें किसान की आय संरक्षित और सुरक्षित करनी है और सुनिश्चित करनी चाहिए आय। बहुत अच्छी बात है। क्या किया? योजना बनाई पीएम आशा। पहले साल में तो थोड़ा बजट था। इस साल 2023-24 का केंद्र सरकार ने बजट दिया। कितना पैसा दिया? 1,00,000 रुपए। और योजना क्या है? उन्होंने कहा कि अगर मंडी पे कोई भी किसान जाता है, दलहन और तिलहन की खेती करता है, मंडी पे अगर उसे एमएसपी नहीं मिल रही तो जो अंतर है, जैसे भावांतर योजना मध्य प्रदेश में और हरियाणा में कुछ फसलों पे लगा रही है, उसी तर्ज पे केंद्र सरकार की योजना थी कि वो अंतर किसान को सीधा खाते में केंद्र सरकार देगी। ये सरकार की जिम्मेदारी। एक तरह से एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई थी। आज कहीं नामो निशान नहीं। ये जो हजारों करोड़ रुपए नए पार्लियामेंट में खर्च किए हैं, ये 1,250 करोड़ रुपए जो ड्रोन खरीदने में लगा रहे हैं, नए नए अपने लिए हवाई जहाज खरीदे हैं, ये पैसे अगर वहां लग जाए, क्यों बैठाए थे 13 महीने किसान सड़क पर? क्यों? क्या आवश्यकता था? आज जब आप खुद योजना ला रहे थे एमएसपी को दिलाने के लिए, आज वो योजना कहीं नहीं। तो हमें और आपको ये सोचना होगा। मैं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप आज नहीं करना चाहता था, ये वो मंच नहीं है, लेकिन हमें और आपको अपनी राजनीति पे भी नजर रखनी चाहिए। अपने लोग कैसे मजबूत हों, हम लोग अपनी संख्या कैसे बनाएं, ये बड़ी चुनौती है। जो कुछ भी मुझे करना हो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके कहे में रहूंगा और मैं उनकी तस्वीर उस तरफ अपनी निगाह रखूंगा हमेशा। ये मेरा आपको वादा है। चंदन ने यहां के स्थानीय मुद्दे रखे, मुझे अच्छा, ये जवाबदेही होती है।